दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इज़ माई डाउट में। और आज का जो हम टॉपिक जो लेकर आए हैं आपके लिए, वह है कि YouTube की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वह जो है अपने एक नई फीचर जो है लेकर आई है WhatsApp यूज़र के लिए। जो WhatsApp यूज़र है वह चेक कर सकेंगे कि कोई डीप फेक जो वीडियो अपलोड जो की गई है वह सही है या गलत है। आप सब जान रहे हैं कि जो डीप फेक है किसी की भी नकली इमेज या वीडियो जो है वह ऑनलाइन पोस्ट करता है, जो कि गलत इस्तेमाल हो जाती है। इसको चेक करने के लिए मेटा की जो पेरेंट कंपनी है, एज ए पेरेंट कंपनी यूट्यूब से जो है जो भी गलत कंटेंट है उनको हटाएगी। और मेटा ने ये जिम्मेवारी जो है अब भारत में भी ये ली है। और भारत में इसके लिए बताना चाहेंगे, जो AI जनरेटेड है, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, और जिससे जो है कोई भी चीज़ इमेज बना दी जाती है, जैसे कि कोई जो है समुंदर में सैर कर रहा है या कोई कहीं ख़ास जगह गया हुआ है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो इसको चेक करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग जो है आजकल इसका शिकार हो रहे हैं। ऑडियो वीडियो कोई भी किसी तरह के जो है नेगेटिव प्रभाव ना पड़े लोगों पर, तो इससे बचाने के लिए जो है इसको काबू में रखने के लिए WhatsApp पर फैक्ट चेकिंग, फैक्ट यानी कि तथ्य यानी बातें हैं वो सही हैं या गलत, उसको चेक करने के लिए जो है एक हेल्पलाइन शुरू करने वाला है। और ये जो हेल्पलाइन है वह आप सब जानते हैं कि जो मेटा कंपनी है और मिस इन्फॉर्मेशन जो गलत जानकारी फैली हुई है, कॉम्बैट अलायंस यानी कि कॉम्बैक्ट यानी लड़ना, अलायंस यानी एक साझेदारी बनाना यानी इकट्ठा हो जाना, ये इकट्ठा होकर उसने AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डीप फेक, जैसे आप जानते हैं हर चीज़ के सही और गलत दोनों पहलू होते हैं, तो गलत जो है इस्तेमाल को रोकने के लिए AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उन्होंने जो है एक नई हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही है। जो एक चैट बॉक्स आप जानते हैं, जैसे किसी भी कोई आप ऑनलाइन कोई जानकारी लेनी है, जैसे बिजली के बिल के बारे में ही, तो आप ऑनलाइन जानकारी लेते हैं, एक चैट बॉक्स होता है, वैसे एक चैट बॉक्स शुरू होने वाला है। तो ये जो क्या करेगा, अगर आपको कंटेंट पर कोई शक है या आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से मांग सकते हैं। कंटेंट यानी कि वीडियो, कोई ऑडियो या कोई ऐसी कोई ब्लॉग से रिलेटेड या कोई ऐसी जानकारी जो आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो है 3 भाषाएँ चुनी गई हैं, एक हिंदी, उसके बाद दोस्तों तेलुगु और तमिल। अभी शुरुआत में तो ये इन्हीं भाषाओं में अवेलेबल होगा, बाद में जो है ये अगले 3 जो आने वाला महीना है यानी कि 3 मार्च को जो है उम्मीद है कि ये शुरू हो जाएगा। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो यूज़र हैं वो चैट बॉक्स से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। पहले तो वो टेक्स्ट मैसेज से सवाल कर सकते हैं, यानी मैसेज भेजकर सिंपल। दूसरा दोस्तों, वह उनका जो तरीका है वो एक इमेज भेजकर चेक कर सकते हैं कि वो इमेज सही है कि नहीं, या वीडियो भेजकर उसका पता लगा सकते हैं। ऐसी सुविधा मिलने वाली है, जो यहाँ के प्रबंधक हैं जो हमारे मेटा कंपनी के जो यूट्यूब और फेसबुक दोनों को ही देखते हैं जो है, और जो व्हाट्सएप है वह भी उन्हीं के पास है। तो यानी कि जो फैक्ट चेकिंग है आने वाले समय में ये सभी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली है, और गलत सूचना को रोकना ही इसका मकसद है, क्योंकि गलत सूचना जो है वो प्रसारित होने पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। और उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जो है विभाग जो है वो भी यही चाहते हैं कि ऐसे नियम बन जाए कि इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, उसका फ़ायदा ही हो ये सुनिश्चित या पक्का किया जाए। और दोस्तों आप सब जानते हैं, कोई भी गलत पोस्ट जो है वह जनरेट ना हो, इसके लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक आपके लिए हम लाए थे वह था कि जो मेटा पेरेंट कंपनी है यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप की, वह जो है ये जनरेटेड या डीप फेक वीडियो इनको जो है गलत इस्तेमाल होने से आने वाले वक्त में रोकने के लिए आपके लिए जो है एक हेल्पलाइन शुरू करने वाली है। तो दोस्तों
जुड़े रहें हमारे चैनल इज़ माई डाउट से, और भी जो नए रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।